की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर थर्ड कमांड द्वारा फर्स्ट कमांड को रिपोर्ट दी गई। इस दीक्षांत परेड समारोह में सूच पर्चे आपको दे रहा हूँ कि आज दिनांक 31/8/2016 दिन बुधवार के पावन पर्व पर दीक्षांत परेड समारोह के शुभ अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी प्रक्षेत्र झांसी, श्रीमान सेना नायक महोदय, जोरदार तालियां। हमारे फर्स्ट कमांडर द्वारा परेड को विश्राम कराया गया। पीछे से लो जब जवान जी खड़े हुए हैं अंदर की तरफ, ये सामने हरी भरी पत्तियां देखते रहे, अपने अंदर पैरों की उंगलियां चलाते रहे। आज भगवान भी आपका साथ दे रहा है। इस भव्य ग्राउंड में देखिए, जो धूप की किरणें निकली थी उन्होंने देखिए छाया कर दी है। ये हमारे चौरंगी सेना इस मातृभूमि की रक्षा करने के लिए
ये जो टोलियां खड़ी हुई हैं अपने रंग बिरंगे रंगों का ये साफ दिला रही हैं, ये दिखा रही हैं कि इस मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जब भी हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, किसी भी सामने से गुजरने के लिए हर तत्पर तैयार हैं। आज हम सूक्ष्म परिचय देने जा रहे हैं आपको। आपको बताना चाहूंगा कि दिनांक 15/2/2016 से विभिन्न वाहनियों से आए हुए 327 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया, जिसमें दो प्रशिक्षुओं द्वारा कथमय कारणों से प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किए तथा दो प्रशिक्षु 31 दिवस अनुपस्थित रहने के कारण परीक्षा से वंचित रहे। कुल मिलाकर 323 प्रशिक्षुओं ने परीक्षा में भाग लिया, जो सभी सफल घोषित हुए, जिनको 11 अनुभागों में वितरण किया गया, जिन्होंने श्रीमान सेना नायक महोदय की अध्यक्षता में 33वीं वाहिनी पीएसी झांसी के अपने छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। जोरदार तालियां। रिक्रूट आरक्षियों को जब जब आवश्यकता पड़े तब तब हमारे श्रीमान सेना नायक महोदय ने इनकी सारी जरूरतों को मुख्य अतिथि महोदय मान प्रणाम किया गया। फर्स्ट कमांड कमांडर मंच की तरफ आ रहे हैं परेड की रिपोर्ट देने के लिए। श्रीमान दीक्षांत परेड निरीक्षक को तैयार है। गाड़ी को धीरे बढ़ाएं। महोदय, आज दिनांक दीक्षांत परेड समारोह के शुभ अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी प्रक्षेत्र झांसी, श्रीमान सेना नायक महोदय, अधिकारीगण तथा प्यारे प्यारे बच्चों, आज पास आउट होने वाले हमारे फर्स्ट कमांड यहीं पर बैठेंगे, महोदय को सलाम करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट कमांड श्रीमान पुलिस मालिक महोदय निरीक्षण किया, फर्स्ट कमांड अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं।
श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय ने परेड का निरीक्षण किया। जोरदार तालियां। एक साथ ने दो, रोको मत, आगे बढ़ने दो, आजादी के रखवाले हो, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाएंगे, अपना सर्वस्व लुटाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो झुंके पक्के सच्चे थे। जोश में आए, जोरदार तालियां बजाएं। दर्शक लोगों से मेरा अनुरोध है इनका उत्साह बढ़ाते रहे। अनुरोध है इनका जोश इनका बढ़ाते रहे, तालियां बजाते रहे। यहाँ पर हमारी 33 बटालियन पीएसी के कमांडेंट श्री राम बोध जी, इस बटालियन के समस्त अधिकारी और कर्मचारीगण, हमारे नए रिक्रूट जो इस पुलिस बल में शामिल होने जा रहे हैं, और आप सभी के परिवारीजन, पत्रकार बंधुओं, ऐसा पल हम सब पुलिसकर्मियों की जिंदगी में एक ना एक दिन जरूर आता है। जब हम लोग इस पुलिस बल में शामिल हुए थे, कुछ लोग बहुत पहले हुए थे, आज आप लोग शामिल होने जा रहे हैं। आप लोग याद करिए, जब आपका सिलेक्शन इस उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हुआ था, तो आपके परिवार के लोगों में कितनी खुशी और कितना आपके प्रति अभिमान उनके मन में जागृत हुआ होगा।
मुझे आपसे सिर्फ ये कहना है कि अच्छा लगता है हम पुलिस बल में शामिल हुए हैं, लेकिन आज से हमारी जिम्मेदारी अपने परिवार, अपने क्षेत्र, अपने देश, अपने मोहल्ले सबके लिए और बढ़ जाती है। जो यूनिफॉर्म आपने पहनी है, इस यूनिफॉर्म का सम्मान, इस यूनिफॉर्म की कद्र और इस यूनिफॉर्म के प्रति लोगों का विश्वास आपके हाथों में आ गया है। अब आप जब भी किसी सार्वजनिक स्थल पर मौजूद होंगे, लोग आपसे न्याय और प्रोटेक्शन की उम्मीद करेंगे और जिसको आपको पूरा करना होगा। बहुत आसान होता है ये कहना कि साहब ये तो पुलिस में है, इसके तो मजे आ गए, लेकिन इस चीज को लोग रियलाइज करते हैं बाद में कि साहब जितना हमको सम्मान इस वर्दी की वजह से मिलता है, हमारी जिम्मेदारियां उसकी वजह से और अधिक बढ़ती हैं। बहुत सारे लोग पुलिस में, ये इतना बड़ा पुलिस बल है हमारा उत्तर प्रदेश का, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई सूचनाएं, प्रौद्योगिकी की बातें, नई नई सुविधाएं और